And success. Tonight we've been waiting for more than 2.5 hours for this bite to happen. Shouldn't have happened, I mean, ideally. I apologize on that. No, I just wanted to sort of address it because we've all been waiting for too long. Oh, I'm sorry about that. But I think that's how we have language. But I'm sorry if it felt like that. Kangana, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आप लुक अंदर ही रखिएगा और मणिकर्णिका जैसा कि नाम वैसे फिल्म बनी और आपने बहुत साहस भी दिखाया कुछ बताइए उसके बारे में हमारे लिए हमारी सारी टीम के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है सौभाग्यशाली है क्योंकि जैसे मैंने कहा फिल्म की अपनी जर्नी रही है और बीच में ये पार्टी हम लोगों ने काफ़ी पहले भी प्लान की थी जब फिल्म ने 100 करोड़ क्रॉस किए थे पर इतनी ज़्यादा कुछ दुर्घटनाएँ हो गई बीच में कि उसमें फिर सभी का मन ही नहीं किया पार्टी करने का लेकिन आज हम लोग फिर से दैट्स के रिक्वेस्ट कम बैक कि दिस इज़ अ ग्रेटिट्यूड पार्टी फॉर द क्रू जैसे आपने देखा होगा हमारा मणिकर्णिका का क्रू यहाँ पे है सारा एंड आई थिंक फिल्म में ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज़ होते हैं शायद आप लोगों ने उनको पहचाना भी नहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हमारी फिल्म के जिन्होंने विजन किया है या एडिटिंग की है या जो हमारे फर्स्ट एडी हैं जो हमारे वो क्रू आई थिंक इट्स अ ग्रेटिट्यूड जेस्चर फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम एंटायर टीम साइड तो दैट इज़ अ एंडेवर कि पूरी फैमिली जो हमारी फिल्म फैमिली है उसको साथ आकर हम लोग ये चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें कंगना जो इनवाइट आया है कंगना जो इनवाइट आया उसमें हमें अभिनंदन की भी बात कही गई है कि वो छोड़े हुए हैं तो उनके भी बारे में जानना चाहिए और क्या लगता है कि ये जो नया हिंदुस्तान है ये किस तरह का है पर आपने देखा होगा पहले भी कई सोल्जर कैप्चर हुए हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना इतना जो इस तरह से हमारे सोल्जर वापस आए हैं कई टुकड़ों में तो वापस आए हैं हमने रिसीव किए हैं मगर इस तरह से रिसीव नहीं किए हैं तो ये जो है नए भारत की शुरुआत है और आई थिंक हम लोगों का जो स्टैंड है वर्ल्ड में इट्स वेरी क्लियर दैट यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी बैक डाउन एंड ऑल्सो यू आर गोइंग टू रेसिप्लिकेट द वे यू नो वी आर डन सो डेफिनेटली इट्स अ गुड स्ट्रेटजी टू हैव और उसका रीजन एक ये भी है कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही एक आइकॉन है सबके लिए तो उनको बहुत ज्यादा प्यार मिला है और बहुत ज्यादा सराहना मिला ऐसा नहीं है कि हर फिल्म को एक पैरामीटर से सिर्फ पैसों का ही पैरामीटर हो हर चीज़ को देखने के लिए सो डेफिनेटली लैंडमार्क और कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे साथ पूरी और ठाकरे जैसी फिल्में भी साथ में रिलीज हुई थी और ऑलमोस्ट खासकर पूरी को लेकर नेशनल डिस्ट्रिक्ट की फिल्म थी सो आई मीन कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नंबर एंड वी आर वेरी हैप्पी जिस तरह से मणिकर्णिका रिसीव हुई है डेफिनेटली अ सुपर हीरो फिल्म इंस्पायर्ड बाय रियल कैरेक्टर्स इन मोहतरमा ने मुझे कहा कि नौकरी पहनते हैं आप खुद नहीं पहनते ओके सो बेसिकली फॉर मी लाइक इट्स मोबाइल पीछे से मोबाइल मोबाइल आप पीछे मोबाइल रखते हो आई जस्ट फील के जो फिल्म है इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोगों के जो सुपर हीरोज होते हैं हम लोग यू नो जो एक एक सही कैरेक्टर है जो रियल कैरेक्टर्स है उनसे अगर हम अपने बच्चों का इंस्पिरेशन दें और रियल स्टोरीज से इट कैन बी समथिंग अमेजिंग सो उस तरह से आई कैन मैम आपको लगता है कि अभी कहीं ना कहीं शौर्य गाथाएं वाली जो फिल्में हैं वो ज़्यादा बनेंगी क्योंकि रोमांटिक फिल्में एक साथ आती है बायोपिक फिल्मों का एक साथ दौर आता है तो आप शौर्य गाथाएं वाली फिल्में भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी पर मुझे लगता है कि एक हमारा जो कंज्यूमर है वो काफ़ी समझदार हो गए हैं अब और वो लोग दे वॉन्ट समथिंग मोर देन एंगेजमेंट और एंटरटेनमेंट यू नो यू कांट कम टू द थिएटर ओनली टू किल टाइम
देयर वाज अ टाइम व्हेन व्हेन अभी जो हमारा एजुकेटेड क्राउड है जिस तरह से हमारे लिटरेसी रेट भी आगे जा रहा है जी, उनके पास यूट्यूब पे या फ़ोन पे टाइम किल करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन उनका अब ये मेन क्वेश्चन हो गया है कि हमने क्या पाया, जब हमने एक फिल्म देखी तो हमने क्या पाया। अब मणिकर्णिका की सक्सेस से आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक एग्जांपल है अपने आप में कि, और बाकी भी जो कई फिल्में आ रही हैं कि अब कंज्यूमर का ये होगा कि हम स्पेंडिंग दिस मच मनी तो मुझे क्या मिला। सो चाहे वो हमारी हिस्ट्री हो या हमारा कोई इंफॉर्मेशन हो या किसी तरह का एक्सपेंशन ऑफ द डिमेंशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सपेक्टिव, सो उस तरह से आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज आई थिंक दे विल गो फॉर अहेड ऑफ अस। This is the first time in the history of entertainment business where the consumer is ahead of the people who are creating content. क्योंकि उनके जो मतलब मैं एक आम इंसान को मिलती है वो मिलती हूँ तो वो मुझे 10 टाइप के Netflix बता देते हैं, ये जो content होते हैं they are exposed to an amount, बस time नहीं है इतना उनको देखने का। So I think we need to catch up with them, they don't need to catch up with us. करीना ने कहा कि दे आर शी इज वेरी एक्साइटेड। यस, करीना इज एब्सोल्युटली लवली एंड आई थिंक शी इज वन ऑफ दोस वेरी ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड पीपल आई ऑलवेज सी एंड आई फील दैट यू नो यार मतलब एक कलाकार हो तो ऐसी हो, वाइफ हो तो ऐसी हो, माँ हो तो ऐसी हो, यू नो शी इज द एपिटमी ऑफ अ परफेक्ट वुमन। और वो हमेशा मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं, बहुत प्यारे मैसेजेस भेजती हैं, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि यू नो शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू मी। और मेरी जो बायोपिक है वी आर वर्किंग ऑन दैट, बिफोर दैट आई माइट स्टार्ट द ट्रिलॉजी बट बायोपिक विल हैपन। कंगना व्हेन मैम ऑलवेज सरप्राइज देती हूं, हम ऑलवेज अभी आपके इंडिया टुडे कॉन्फ्रेंस में भी हम सबको सरप्राइज दी कि आप डेट कर रही हो, शादी भी करने वाली हो। ये मैं अभी आज की सक्सेस पार्टी तो हमने देख ली और दूसरी शादी की सक्सेस पार्टी कब आई थिंक दिस इज डेफिनेटली नॉट व्हाट आई सेड। इनफैक्ट आई वाज आस्क्ड इफ आई एम डेटिंग एंड आई सेड आई एम नॉट डेटिंग बट यस इफ यू नो लाइक बीइंग अ यंग वुमन डू आई हैव जस्ट समबडी इन माय लाइफ यस बट हैविंग समबडी एंड डेटिंग and marriage you know in degrees progressing so let's see Kanga, when the unfortunate Pulwama attack had happened you came out with a series of very strongly worded statements, one of which was also you know about people from the fraternity who chose to go to attend an event in Pakistan despite the Uri attacks and everything. However, there were some reports, and if you can clarify that, even Manikarnika had released in Pakistan despite the Uri attacks and it continued to screen while the Pulwama attack happened. Yeah. When you get stopped from future releases to happen, but what is in their possession if that has to be taken from them? You know, so it's like it will be again the same situation. But the argument was Kanna. Yes, if I'm producing a film, then definitely that is the route I will take. I mean, why should we? And it's not that it's a very big territory. But Kangana, the argument was, why did it even release in Pakistan even after the Uri attack? We've discussed enough about it. Just yeah, we can move on. No, I mean let her just. Answer. She's answered in that. Yeah. Well, I think that is. I mean, precisely the distribution and the trade was going like that. I assume because obviously I'm not the minister in charge of the trade, how things are happening in the country. But if you ask me, for me, like it's very important, the sentiment of the country, the sentiment of the Jawan's family, that is very important. Does it make a significant statement? No. These can be called small steps, you know. But is it, if it, that's all we can do, we should, we must. Ankita, ye role aapke liye kitna challenging tha aur kitna, keh sakte hai, valor wala tha? मुझे ऐसा लगता है कोई भी रोल आप जब करते हो वो एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि झलकरी बाई करना मेरे लिए कैसा था जब मैंने ये रोल लिया था। मुझे झलकरी बाई के बारे में हमेशा कहते हैं आई डिडंट नो टू मच अबाउट झलकरी बाई एंड आई जस्ट न्यू वन थिंग दैट शी इज़ द हीरो ऑफ आर कंट्री एंड और मुझे उनको प्ले करना था क्योंकि मुझे चाहिए था कि लोगों को पता चले कि झलकरी बाई कौन थी एंड दैट्स कम्प्लीटली माई अपॉर्चुनिटी दैट आई कुड परफॉर्म इट एंड लोगों को इतना पसंद आया और आई थिंक कंगना इज डूइंग फैब लाइक मेरे जितने सीन्स हुए आई थिंक कंगना इज शॉट 70% ऑफ द So I think I have done justice to my character and she has done justice to my character more than me. Ankita, can you bring Thank you. Ye faith establish
मैच करता है आपको फिल्म इंडस्ट्री में एज एन डायरेक्टर एज एन एक्टर? अब आपको लगता है कि आप सभी विधाओं में मतलब पूरी तरह से निपुण हैं और किसी को भी सामने लेने के लिए तैयार हैं? देखिए क्या होता है कि हर एक एवरी डे इज डिफरेंट। कई बार आपको लगता है कि आपके जो डे टू डे चैलेंजेस हैं वही ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए कि बाकी दुनिया क्या बोल रही है, यू नो जब आप एक सिचुएशन में होते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। कई बार आपको लगता है कि नहीं ये वक्त है थोड़े से तो मुँह बंद करने चाहिए बिकॉज कुछ ज़्यादा लोग जो है आपके को शांत समझ के या आप जब जवाब में उसको आपकी कमजोरी भी समझ लेते हैं। तो कब आपको किसी को थप्पड़ लगाना है, कब आपको इग्नोर करना है, यू शुड नो दैट, यू शुड नो दैट एज अ पर्सन। आप अपना काम काज छोड़ के तो नहीं जाएंगे दुनिया से लड़ने या उनको बताने, उनको समझाने आपका आप कौन है बात करने और आप क्या चाहते हो, क्या सोच है आपकी। तो वैसे तो आप सारी दुनिया में मतलब वही एंगेज ही करते रहेंगे, यू नो। बट देन देर इज़ अ टाइम कि इनफ इज इनफ, दिस इज़ योर बाउंड, यू कैन नॉट क्रॉस योर लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक ये जैसे अगर आप व्यक्तिगत तरीके पर ऐसा समझते हैं तो आप देश के लिए भी ऐसा समझेंगे कि आपको किसी को डसना नहीं है लेकिन आपको अपना यू नो कहते हैं डराने के अंदर डराने तो दिखाना पड़ता है। थोड़े दिन पहले मीडिया में बात चल रही थी कि आपको आपको फिट अर्जुन से कैसे सपोर्ट नहीं आया मणिकर्णिका के लिए, तो जोया अख्तर ने इस पर कहा कि आपको सब अप्रिशिएट करते हैं, पता नहीं आप ऐसा क्यों कहती, तो उस बारे में आप क्या कर रहे हैं? आई थिंक अगर अप्रिशिएट करती हैं वो तो आई एम वेरी हैप्पी। प्रेम प्यार आदर सम्मान होने चीज दिखानी जरूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है कि हम वही मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को जैसे आप हैं अगर आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप ही जाके फिल्म देखते हैं, अगर अगर आपसे भी एक्सपेक्टेशन ना दी जाए, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप नंदा देखिए उनके बारे में बोले, आपसे एक्सपेक्टेशन है आप सुपरस्टार देखिए उसके बारे में बोले, आपसे एक्सपेक्टेशन है तो भी आपको बुलाया गया और मीडिया के सामने बुलाया गया, आपसे माइंड लिए गए सब कुछ, आपसे एक्सपेक्टेशन है राइट, तो फिर आपको भी तो उस तरह से रिटर्न करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट वे इट इज़ अनफेयर, तो फिर आप एक्सपेक्ट ही मत करिए, जाने दीजिए मुझे, मेरे हालात को छोड़ दीजिए। हर एक इंसान का एक अपना नेचर होता है, कई बार आपको जो आपका नेचर होता है उसके हिसाब से आपको सफलता मिलती है, कई बार आपको आपके नेचर के हिसाब से ऑब्स्टिकल होती है। यही मेरा नेचर है कि यू नो आई कैन पोर्ट्रे फाइस्टी कैरेक्टर्स, तो हर जगह पे ये आप इससे फ़ायदा तो नहीं सोच सकते, कई जगह पे उसी नेचर से नुकसान भी होता है। सेम तरीके से आप ज़्यादा टिमिड होते हैं तो कई बार आपको फ़ायदे होते हैं और कई चीज़ों से नुकसान होता है। सो आई थिंक वी शुड नॉट बी सो कैलकुलेटेड कि मुझे ज़िंदगी में हमेशा ही फ़ायदा हो, हर सिचुएशन से मैं क्या निचोड़ के निकल जाऊँ या क्या कमा के चले जाऊँ, कैसे मैं अपना मतलब हमेशा अपना फ़ायदा करके चल जाऊँ, ऐसे इंसानों से दूर ही रहें और ऐसी सोच भी मत रखिए। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ज़िंदगी में इंसान गेट टूट के और उससे भी निकल जाते, इट्स फाइन। अरे कंगना आपके साथ फ्रेम में चल रहा था, तू फ्रेम बना अंकिता, आपकी ये पहली फिल्म है और पहली फिल्म ने 100 करोड़ की आमदनी की है, ये विशेष बात आपको लगती है? ऑफ कोर्स लगती है आपको, मैंने उस दिन भी इस चीज़ का जवाब दिया था कि आपकी डेब्यू फिल्म होती है और वो इतना अच्छा करती है और 100 करोड़ करती है, तो मतलब सब कुछ ही नया है यहाँ पर और सब कुछ बहुत मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से फिल्म करना चाहती थी और मैं कर रही हूँ और मेरी 100 करोड़ कर रही और कंगना ने डायरेक्ट की, इससे बड़ी चीज़। बट आई पर्सनली फील दैट द काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस अंकिता हैज वर्क्ड, द काइंड ऑफ सिचुएशन शी हैज वर्क्ड, शी डिजर्व्स अ मच बिगर एंड मच बेटर डेब्यू, दैट्स माय फीलिंग एज अ डायरेक्टर। हमने जो गाना शूट किया है वो अंकिता ने हाफ नाइट में किया है, जबकि वो गाना आइडियली 12 दिन शूट होना चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ अ रेगुलर सॉन्ग ऑफ दैट नेचर इज शॉर्ट 10 to 12 days। अंकिता ने वो आधी रात में किया है बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन वी वर इन, शी डिड नॉट हैव इवन टाइम टू डू अ सेकंड टेक। तो आप सोच सकते हैं कि सिचुएशंस में फिल्म शूट की है, शी डिड नॉट, वी डिड नॉट इवन हैड द टाइम टू इवन कर्ल हर हेयर, सो कैरियर मतलब आई फील शी डिजर्व टू बी यू नो लिट मोर ब्यूटीफुली एंड शी डिजर्व्स अ बेटर डेब्यू, बट एनीवे देयर इज स्टिल अ
along with both. Ankita, आपने हमें पहले बताया था कि ये celebration होने वाला है और मतलब यानी you knew like inside out like what? Of course, अब इतनी बड़ी फिल्म हुई है, success हुई है, तो party तो बनती है ना, तो वो तो होना ही था. Of course, तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे तुक्के में बताया था कि होगा, पर ये होना ही था. यानी आप काफी close आ गई हैं. उस बारे में भेंट के बारे में बताएं और अब दो दिन में भारतीय इलेक्शंस की भी घोषणा होने वाली है तो उससे भी जुड़ने के इरादा है आपका? आई थिंक इलेक्शन से मैं नहीं, मेरा ऐसा इलेक्शन से कोई जुड़ने का इरादा नहीं है. काफ़ी लोगों को ये भी गलत फहमी है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 0% चांसेस भी नहीं है. मगर क्या मैं एक ऐसी युवक युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से कुछ ऐसे एक्टर्स हैं मैं जानती हूँ. आई थिंक किसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक मैं धर्मकुमार देयर वाज रणवीर और आलिया समथिंग लाइक दैट, जो कहते हैं कि हाँ पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोल रहे हैं, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया. तो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. अगर रणबीर कपूर वाज टेलिंग समथिंग कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो. सो हाउ ये देश ने आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं. हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट, हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात करते हैं. दिस इज इररिस्पॉन्सिबल. क्या मैं वैसे इंसान हूँ? नहीं. उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाता. मेरे घर में बिजली पानी आ जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की बड़ी नहीं हुई. सो दिस हैज टू चेंज एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए, इन लोगों को सुनाना चाहिए. हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कांट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है. यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट टू थिंक इन अ डेमोक्रेसी. आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज योर लीडर. यू शुड टॉक अबाउट योर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, हु व्हाट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, व्हाट डू यू थिंक. यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना. दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल. और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई. तो दीज पीपल शुड बी आस्क, ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है. मैं अब आप लोगों का काम भी करने लगी. संजय इन अ डेमोक्रेसी, शिफ्ट ऑफ पावर व्हेन हैपेंस, इट्स ओके टू बी पॉजिटिव फॉर अ गवर्नमेंट, बट इफ यू फील दैट द गवर्नमेंट इज नॉट शोइंग एनी रिस्पॉन्स, इट्स ओके टू कॉल देम आउट ऑन दैट. इट्स नॉट दैट यू शिफ्टेड योर ओपिनियन और यू आर बीइंग यू नो सॉर्ट ऑफ एन ऑपोर्चुनिस्ट और लाइक दैट. सो इट्स फाइन टू शो पॉजिटिविटी फॉर एन इलेक्टेड कैंडिडेट and to be like okay fine we have a lot of faith in this person, there is nothing wrong in that. And you know as talking about I mean I think I have had a very wide exposure of how things change in person's life. Jaise desh mein cheeze change hoti hai, hamare upar bhi hamari personally bhi life change hogi. So ye bahut important hai, hum desh mein interest nahi hai because hum deshi to hain, hum kaun hai. तो ये बहुत ही मूर्खता की बातें ऐसे करना, मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज, मेरी वो एंडोर्समेंट ना चले जाए या मेरे को लोगों वेरी वेरी एंड कंसंट्रेशन नहीं हो पाता. मिस्टर नरेंद्र मोदी से आप दो बार मिले, कुछ बताइए उसमें क्या बात हुई है, क्या आपको लगता है अगली बार वापस से मिस्टर मोदी या कोई कुछ ऐसी बात नहीं बताइए इस बारे में. वेल देखिए हम लोग आई थिंक अगर इस देश में कोई है जो इस देश को संभाल सकते हैं और कोई है जो इस देश को इसकी जो बुरी स्थिति है, जैसे कि 50% हमारे लोग जो मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं और जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पे हमको सताया जाता है, हर कोई आ गए हमारे ताज में, मतलब हमारे फ्रेंड वेरी डियर फ्रेंड जिनकी जो एक्टर भी हैं जिस तरह हमारे में काम कर चुके हैं, उनके भैया और भाभी डिनर कर रहे थे और उनको देर शॉट इन दैट. तो आप कहते हैं कि आपको देश से कुछ लेना नहीं देना, कल तो मेरी बहन जा सकती है डिनर करने,
अपने दो बच्चों को छोड़ के मेरे पास, तो आप कैसे कह सकते हैं आपको देश से कुछ ले? इतनी बुरी तरह से देश में आतंक को फैलाया हुआ है, करप्शन को फैलाया हुआ है, मैल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी रिवर्स खत्म हो रही है, ग्रीन कवर खत्म हो रहा है, हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पर इतने सारे बच्चे मरे, और आप सो कैसे जाते हो, और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछो? आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर को इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है, हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम दैट? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? हाउ डू यू ऑल टॉलरेट दिस इन अ डेमोक्रेसी लाइक दैट, एंड देन यू मेक दिस पीपल योर रोल मॉडल्स? हाउ डज दैट वर्क? सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. अंकिता, अंकिता एक सवाल है, डू यू थिंक कंगना को एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? प्लीज सर, चेंज कर. या या वेट वेट वेट, आई रियली डोंट हैव एनी आईडिया कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में आकर ही बात नहीं की जाती. एज ए ह्यूमन, एज ए इंडियन, यू नो, हम लोग यहाँ खड़े हैं और हम लोग यहाँ रहकर भी, इस पोजीशन में रहकर भी वो सारी चीज़ें कह सकते हैं जो शायद पॉलिटिशियन नहीं कह पाते. सो आई थिंक एज एन एक्टर दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों को लोग कहीं ना कहीं रोल मॉडल समझते हैं, एंड शी कैन टॉक अबाउट इट, पीपल कैन फॉलो हर. सो आई थिंक शी डजंट नीड टू गो टू पॉलिटिक्स लाइक प्रॉपर पॉलिटिक्स, शी कैन बी हियर, स्टैंड हियर एंड टॉक अबाउट इट, पीपल कैन फॉलो. क्या बातचीत हुई उसके बारे में अगर आप बताएं, एंड व्हाट यू थिंक अबाउट? मैं आपको मेरे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या बात हुई है बताऊं? मैंने उनको बधाई दी जिस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया, बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन थी, एंड इस सिचुएशन को उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है कोई नहीं हैंडल कर सकता था उस तरह से, और आई थिंक ही डिजर्व, उनकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, जितना उनका क्रिटिसिज्म होता है जब यू नो मतलब इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट दैट ही इज़ सो डीवैल्यूड एज अ लीडर ऑफ द कंट्री, दैट इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग. सो आई थिंक आई जस्ट एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड आप लोगों के सबके बिहाफ से, वी आर एब्सोल्युटली ग्रेटफुल दैट द वे ही इज़ हैंडल द सिचुएशन एंड वी फील सेफ इन हिज लीडरशिप. That's the kind of conversation. The last one and half question, please. जो लास्ट क्वेश्चन है बाद में पूछूंगा, पहले उससे पहले अगर जैसे अंकिता मिश्रा कहती है डेमोक्रेटिकली मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन अगर आप इलेक्शन लड़ती हैं तो क्या प्रियंका गांधी के अपोजिट उसके बिना चांस यू विल बी एबल टू स्टैंड? मुझे तो नहीं लगता मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी, लेकिन I really don't think so, because I have no reason not to. Because am I concerned about the country? I'm absolutely concerned. लेकिन कुछ तो चीज़ होनी चाहिए जो पैसों के लिए ना करें ज़िंदगी में. I think as a politician, फिर भी आप मुझे कह सकते हैं कि यार इसका तो मतलब है, कह सकते हैं ना, चार लोग कह सकते हैं मुझे, because politicians चाहे उनको 200 रुपये सैलरी भी मिलती है फिर भी लोग कह देते हैं कि इन्होंने करोड़ों का घपला किया, राइट? लेकिन एज एन एक्टर तो आप मेरी इंटेंशन पर कभी डाउट कर ही नहीं सकते. जो मैं देश के लिए कह रही हूँ, ये सब लोगों के मैंने अभी नाम लिए हुए हैं, आपको क्या लगता है ये लोग इतने बड़े बड़े खंजर निकालेंगे? और जो भी आप अनाप शनाप अभी न्यूज़ पढ़ेंगे पेपर में मेरे बारे में, उन्हीं के पीआर ने करी होगी, यू नो. सो आई नो ऑल ऑफ दैट, आई नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट आई हैव सेड, बट आई एम ओके विद दैट. लेकिन ये किसी को तो कहना पड़ेगा. और मुझे बहुत गुस्सा था, आप लोग नहीं कहते हैं, आप लोग इन लोगों से सुन के लेते हैं, आप लोग कुछ नहीं कहते इन लोगों को, यू नो. सो कंगना 20 दिन रह गए, इट्स योर बर्थडे. हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाए और बर्फ में हमारे देश की तरक्की होगी तो आप देखिए हम लोग कितना अब हमारे देश की पर्सनैलिटी आज पूरे विश्व में जैसे हमारे देश की बात हो रही है उससे भी ज्यादा हमारी पर्सनैलिटी बन गई. आज लोग मुझे कहते हैं कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया, यू नो. सपोज अगर हम लोग इंडिया इज बेस्ट इन द ग्लोब तो आई वुड बी द बेस्ट एक्टर ऑन द ग्लोब, बी द बेस्ट जर्नलिस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ.